हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन। ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के थ्रू हम थैलामाइड के द्वारा थैलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पर हमने लिया है थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जो पोटेशियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो OH है वो रिएक्शन करेगा इस हाइड्रोजन के साथ में और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा। अब पोटेशियम जाएगा नाइट्रोजन के साथ में और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से हमें थैलामाइड के द्वारा पोटेशियम थैलामाइड ऑब्टेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो पोटेशियम थैलामाइड बना है उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में। एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जो पोटेशियम है वो आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा और पोटेशियम आयोडाइड मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब एल्काइल ग्रुप बॉन्ड बना लेगा इस नाइट्रोजन के साथ में और फाइनली हमें ऑब्टेन हो जाएगा एन एल्काइल थैलामाइड। नेक्स्ट स्टेप में एन एल्काइल थैलामाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ में। HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और इसमें टू वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे। टू वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो यहाँ पर जो NR है वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। बॉन्ड ब्रेक करने पर वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा इस कार्बन के साथ में और सेकेंड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा सेकेंड वाले कार्बन के साथ में। इस तरह से यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएंगे और फाइनली हमें ऑप्टेन हो जाएगा थैलिक एसिड, साथ ही साथ ऑप्टेन होगा प्राइमरी एमीन। ये थी ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन। थैंक यू सो मच।